वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका राइटर दोस्त मनीष। सो आज एक और स्पेशल वीडियो के साथ आपके सामने पेश हैं। सो आजकल आप देखते हैं पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। सो काफ़ी लोग हैं जो इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट नहीं होना चाहते बिकॉज अभी उनको इतना ट्रस्ट नहीं है इलेक्ट्रिक के ऊपर, और या फिर फैसिलिटी इतनी अवेलेबल नहीं है इलेक्ट्रिक पे। सो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं कि एक ऐसी बाइक या ऐसी स्कूटी जो ज़्यादा एवरेज आपको देती है। सो इसमें आपको बता दूँ जो सबसे ज़्यादा सेल होने वाली बाइक है वो है हीरो स्प्लेंडर। और सो ऐसे दो तीन सेगमेंट हैं जिसमें आपकी 100 और 110 cc की बाइक्स आती हैं। अभी बाइक में क्या फ़ायदा है, ये बाइक आपको देती है 60 प्लस की एवरेज। सो पहले हम बात करते हैं स्पेक्स की। तो स्पेक्स में पहले मैं बात करूँगा 100 cc स्प्लेंडर की। सो उसका 100 cc का आपको इंजन मिल जाएगा, 7.91 bhp का हॉर्स पावर मिल जाएगा 8000 rpm पर। सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन होगा, 4 gears होंगे, 9.8 liter का फ्यूल टैंक होगा, 60 प्लस की एवरेज है। और बाकी 130 mm की फ्रंट और रेयर ड्रम ब्रेक्स है, 18 इंच के व्हील्स है दोनों के फ्रंट और रेयर, 110 किलो की बाइक है, 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। और जो प्राइस जो करता है जो किक स्टार्ट वाला करेगा वो 62,535 का करेगा, और सेल्फ स्टार्ट वाला आपको करेगा 64,835 का। और इसके ऊपर एक i3s आता है जो आप अभी ये एडिशन देख रहे हैं, ये है ब्लैक एडिशन। सो ये i3s में आपको कॉस्ट करेगा 6,645 रुपीज़ का। और इसके ऊपर एक आएगा 100 मिलियन एडिशन जो आप देखते हैं कि हीरो ने एक पूरी सीरीज निकाली हुई इस कलर की, सो वो आपको कॉस्ट करेगा 67,845 का। सो ये जो पूरी स्पेक्स है ये आपकी स्प्लेंडर की। अब मैं CD110 के बारे में आपको बताता हूँ। ये आपको 110 सीसी का इंजन मिलेगा, 8.61 bhp का हॉर्स पावर एट 7,500 rpm पर। सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन, 4 gears, 9.1 liter का फ्यूल टैंक, एवरेज आपको सेम मिल जाएगी 60 प्लस की, 130 mm के फ्रंट और रेयर ड्रम ब्रेक्स, और 18 इंच के सेम व्हील्स। और 112 किलो की बाइक है, 162 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। सो स्टैंडर्ड आपको कॉस्ट करेगी 64,421 और डीलक्स कॉस्ट करेगी 65,421। सो ये दोनों की स्पेक्स है। अब मैं बात करूँगा इन दोनों की डिफरेंस की, क्या डिफरेंस है इन दोनों में। सो गाइस देखिए, अब इसकी डिफरेंस की मैं बात करूँ दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों में से कौन सी आपको लेनी चाहिए। सो स्प्लेंडर आपको मिलती है 100 सीसी में, वहीं CD110 आपको मिलती है 110 सीसी में। सो थोड़ा सा हॉर्स पावर का फ़र्क है यहाँ पे, एवरेज लगभग दोनों की सेम है। और कॉस्टिंग की मैं बात करूँ तो कॉस्टिंग भी लगभग सेम है। सो व्हील आपको सेम मिल रहे हैं, ब्रेक्स आपको सेम मिल रही है, ग्राउंड क्लियरेंस में थोड़ा सा 2-3 mm का फ़र्क है बस। बाकी अगर मैं स्प्लेंडर की बात करूँ तो स्प्लेंडर में आपको 2-3 फीचर और कुछ ऐसे सेंसर्स मिल जाते हैं, और जो इंजन कट ऑफ होगा अगर बाइक गिर जाएगी तो इंजन ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएगा। i3s मिल जाता है आपको, रेड लाइट वगैरह में सेविंग हो जाएगी फ्यूल की, और काफ़ी सारे उसमें सेंसर लगाए गए हैं जैसे हिल क्लाइंब। अब वहीं होंडा में उसका लुक अच्छा है, थोड़ा उसका थोड़ा ब्रॉडर लुक लगता है क्योंकि स्प्लेंडर थोड़ी लीन सी बाइक है, बिल्कुल ऐसी पतली सी लगती है सीधा। CD110 का थोड़ा ब्रॉडर लुक है और बाइक में आपको स्पेशल थोड़ा सा उसका लुक थोड़ा अलग मिल जाता है, थोड़ा सा बाइक थोड़ी हैवी लगती है, थोड़ी ब्रॉडर सी लगती है। और होंडा की आप पार्ट्स और क्वालिटी जानते हैं, पार्ट्स और क्वालिटी होंडा के अच्छे होते हैं, बेटर होते हैं। अब होंडा ने इस पर साइलेंट स्टार्ट डाला हुआ है, जो इनकी नई टेक्नोलॉजी आई है, ESP टेक्नोलॉजी डाली हुई है, और आपको पावर इसमें ऑलरेडी ज़्यादा मिल जाती है स्प्लेंडर से। अब हीरो भी पहले जो स्प्लेंडर आती थी वो आती थी बिल्कुल स्टैंडर्ड, उसमें कोई सेंसर वेंसर नहीं होते थे। सो BS6 के बाद इन्होंने पता नहीं कितने सेंसर डाल दिए। अब मेरे को नहीं लगता है इतने सेंसर कभी काम करते होंगे, कभी सेंसर फेल हो जाए तो उसका अलग खर्चा है। सो ये स्टैंडर्ड बाइक है, ये स्टैंडर्ड में अच्छी लगती है, इनमें ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ करनी नहीं चाहिए। सो एक मैं प्राइस की बात करता हूँ, अगर मैं स्प्लेंडर का आपको सेल्फ स्टार्ट वाला मॉडल बोलूं तो 64,835 का है वो। अब यही आपको उसमें मिल जाएगा 64,421 का, 110 सीसी में विद सेल्फ स्टार्ट। सो डिफरेंस है कि नहीं है, थोड़ा सा 200-400 रुपये का फ़र्क है, बट आपको 110 सीसी मिल जाएगी, थोड़ी सी ज़्यादा हॉर्स पावर मिल जाएगी और बाइक का थोड़ा ब्रॉडर लुक मिल जाएगा। अब यहीं अगर मैं ब्लैक एसेंट एडिशन इसमें आया है वो थोड़ा स्पेशल है, उसमें i3s वगैरह मिल जाता है, उसके मुकाबले आपको डीलक्स मिल जाएगी 65,421 की। सो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, 1000 रुपये का डिफरेंस है उसमें CD110 ड्रीम में। और उसमें 1000 रुपये का डिफरेंस कहाँ जाता है, उसके कलर उसमें, बिकॉज स्टैंडर्ड और डीलक्स में कलर का फ़र्क है, अलॉय व्हील्स के कलर का फ़र्क है, और मिरर पे जो कलर आते हैं वो उसका फ़र्क है।
उसमें एक में आपको ब्लैक मिलेंगे, एक में आपको मल्टी कलर मिल जाएंगे। सो मेरी यही राय है, अगर आप स्प्लेंडर का सेल्फ वाला मॉडल ले रहे हैं, उसको सेल्फ वाला छोड़ के आप CD110 का स्टैंडर्ड मॉडल ले लो या फिर डीलक्स ले लो, बिकॉज उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा है। उसमें इंजन थोड़ा बेटर मिल जाएगा और स्टेबिलिटी मिल जाएगी और बाइक का थोड़ा ब्रॉडर लुक मिल जाएगा जो सेम कॉस्ट में। और हुंडा में भी CD110 में भी आपको 6 ईयर की वारंटी मिल जाती है। बाकी ब्लैक SM थोड़ा सा मतलब इससे हज़ार रुपये महंगा होगा, बट इससे वो भी अच्छा लगता है, उस पर ग्राफिक्स आते हैं और आप चाहे तो उसको प्लेन ब्लैक भी ले सकते हैं। सो ये उस ब्लैक एडिशन की खासियत है, ब्लैक एसेंट की फुल ब्लैक बाइक मिलेगी, 3-4 तरह के ग्राफिक्स आते हैं, आप उसको लगवा सकते हैं, अदरवाइज आप उसको प्लेन ले सकते हैं। सो गाइस ये है स्प्लेंडर और CD110 का डिफरेंस। वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए। मैं हूँ आपका राइडर दोस्त मनीष। जय हिंद, जय भारत।